पटना की सड़कों पर तो माननीय लालू जी नजर आते हैं, लेकिन किसने ये दुस्साहस किया है कि लालू जी को राजनीतिक रूप से नजरबंद कर दिया? क्या लालू जी राजनीति में राजनीतिक खौफ है? क्या उनको देख करके लोग दहशत में आ जाते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन, मैं आपके साथ अब्जीत सिंह। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयारी कर रहे हैं, अपने अपने जो कैंडिडेट हैं उनके लिए प्रचार में जा रहे हैं। तो वहीं बात करें तो जनता दल यूनाइटेड ने RJD पर बड़ा आरोप लगाया और कह रहे हैं कि लालू यादव को नज़रबंद कर दिया गया है। जिस तरह से वो पटना के सड़कों पर तो दिखते हैं लेकिन चुनावी प्रचार में नहीं जा रहे हैं, तो किसने उन्हें नज़रबंद किया है? क्या कुछ सवाल पूछ रहे हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, पहले सुनिए उनकी बातों को। पटना की सड़कों पर तो माननीय लालू जी नजर आते हैं, लेकिन किसने ये दुस्साहस किया है कि लालू जी को राजनीतिक रूप से नजरबंद कर दिया? क्या लालू जी राजनीति में राजनीतिक खौफ है? क्या उनको देख करके लोग दहशत में आ जाते हैं, या बिहार की जगहसाई होती है? आखिर किसने यह हिमाकत किया है कि लालू जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनको तेजस्वी यादव जी, आपने या आपके किस परिवार के किस सदस्य की सहमति से उनको राजनीतिक रूप से नजरबंद कर दिया गया? तो आपने सुना जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से पटना के सड़कों पर लालू यादव तो दिखते हैं लेकिन वो चुनावी प्रचार में कहीं नहीं जा रहे हैं, तो क्या किसने उनके परिवार के लोग ने उन्हें नजरबंद किया है? तेजस्वी यादव ने किया है या किसी उनके परिवार के सदस्य ने किया है? क्यों नहीं वो चुनावी प्रचार में जा रहे हैं? राजनीतिक तौर पर लालू यादव को नजरबंद कर दिया गया है। जिस तरह से बात करें, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और देश के 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। बात करें तो झारखंड में भी जो कहा जाए कि बिहार के तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल भी वहां पर चुनाव लड़ रही है और जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार वहां पर चुनावी प्रचार करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में स्टार प्रचार के सूची में बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद यादव का तो नाम है लेकिन वो चुनावी प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड साफ तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं और पूछ रहे हैं सवाल कि RJD ने किसने उनका नज़रबंद कर दिया है राजनीतिक तौर पर, जिस तरह से वो पटना के सड़कों पर तो दिखते हैं लेकिन चुनावी प्रचार में नहीं जा रहे हैं। जिस तरह से बात करें कि जो बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जाएंगे लेकिन अभी तक वो भी चुनावी प्रचार में नहीं गए हैं। ऐसे में जो लगातार जदयू की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसको लेकर भी विपक्ष के द्वारा यानी कि RJD के द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल के आई, हम आपने वो भी सुनवाया है। इसी तमाम खबरें न्यूज़ 24 के साथ, नमस्कार।